नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के क्वालिफिकेशन में गड़बड़ी की बात कही गई। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देगी, जिसे अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश किया जाएगा। 15 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। दरअसल नवंबर 2017 में पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि समान काम के लिए समान वेतन के तर्ज पर नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाए। फैसले के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। समान कार्य के लिए समान वेतन पर बिहार सरकार को अब अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों का वेतन वर्तमान में उनके मानदेय से 2.5 गुना हो जाएगा। मान लीजिए किसी टीचर को वर्तमान में 12 से 15 हजार रुपये मिल रहे हैं, तो इस फैसले के बाद 35 से 40 हजार रुपये वेतन देना होगा। एक अनुमान के अनुसार इसे सरकार को सालाना 11 हजार करोड़ रुपये अधिक खर्च करने होंगे। वर्तमान में शिक्षा विभाग का पूरा बजट ही 20 हजार करोड़ रुपये का है। पटना से लाइव सिटीज के लिए दिव्यांशु की रिपोर्ट।